हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट टू वीडियोस में हमने बात की थी उसके इंटरफेस की और हमने बात की थी कैलेंडर डिफाइन करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक कर डेस्कटॉप पे न्यू में जाके एमएसपी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हम एक फाइल बना लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फाइल में जाके इंफॉर्मेशन में जाके ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करना, ठीक है, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कैलेंडर डिफाइन करना, जो आपका इस प्रोजेक्ट में चेंज वर्किंग टाइम यहाँ से मिलता है, यानी कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कैलेंडर डिफाइन कर रहे हैं, कब छुट्टियाँ रखना चाहते हो और कब वर्किंग टाइम होगा, ठीक है। तो यह वर्किंग टाइम रखने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमें जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो टास्क है उनको यहाँ पे इनपुट करना। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका फर्स्ट टास्क है फाउंडेशन, सेकंड टास्क है सुपरस्ट्रक्चर और थर्ड टास्क है आपका फिनिशिंग। तो ये मोटे मोटे बड़े बड़े टास्क मैंने डिवाइड कर दिया, बहुत सारी एक्टिविटी बहुत सारे टास्क होते हैं एक बिल्डिंग में, पर एक मोटा मोटा मैंने कर दिया। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे इनपुट किया एक सेकेंड, यहाँ पे टास्क इनपुट करने से पहले भी एक सेटिंग हमें चेक करनी होती है। तो आप जाएंगे फाइल में या ऑप्शन में, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने तो एक विंडो खुल के आती है। सबसे पहला आता है आपका जनरल, जनरल टैब में बस आपको चेक करना है कि आप किस तरह का व्यू देखना चाहते हो, नेटवर्क डायग्राम, गैंट चार्ट, कई तरह की चार्ट होती हैं, तो एक गैंट चार्ट में टाइमलाइन डिफॉल्ट है आप कि मरीज जैसा आप चाहते हो, टाइम का डेट का फॉर्मेट ये है, या और भी फॉर्मेट दिए हुए हैं, देखिए आप जैसा चाहे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दो चीज़ इनमें, यूज़र नेम पासवर्ड इनमें कुछ नहीं करना होता, और ये क्या कह रहा है कि जब आप एमएसपी यूज़ करेंगे तो बीच बीच में सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ टिप्स देता जाए, तो ये यहाँ पे ऑन रहता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले में कैलेंडर किस टाइप का आप चाहते हैं, जो हम यहाँ यूज़ करते हैं जॉर्जियन और हिजरी और थाई बुद्धिस्ट, कौन सा कैलेंडर आप, तो जो डिफॉल्ट है वही रहने दे, क्योंकि हम अंदर जाके अपना खुद कैलेंडर डिफाइन करेंगे। फिर आता है यूनिट्स का, कौन से यूनिट्स आप डिफाइन कर रहे हो, जब आप अपना कॉस्ट डालोगे तो रिसोर्स की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, तो कौन सी करेंसी आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, ये उसके लिए है। जैसे मैं इंडियन चाहता हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट किया INR इंडियन, ठीक है, और सिंबल क्या होगा इंडिया का, और करेंसी क्या, टू डिजिट तक चाहते हो, कितने डिजिट तक चाहते हो, ठीक है। तो ये इंडियन टू डिजिट, सिंबल ये होगा और ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, आगे लिखना चाहते हो कि पीछे लिखना चाहते हो, ये सिंबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, करेंसी यहाँ पे सेट कर ली। उसके बाद हम स्केड्यूल में जाते हैं, तो स्केड्यूल में दिया हुआ है देखिए आप कि आप वीक जो स्टार्ट होगा, जैसे एक वीक है तो उसका स्टार्टिंग डे कौन सा होगा, अपनी वजह से आप सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट संडे होता है, और ईयर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, जनवरी से, और टाइम जो आपका है जॉब का, जो लेबर जिस टाइम पे या जो आपने टाइम रखी हुई हो, 8 से 5 रखी हुई, चेंज कर सकते हो, और कितने आवर का वर्कलोड होगा, 8 आवर का पर वीक, 40 आवर्स का, और मंथ में 20 डेज वर्क होंगे, तो ये सब आप अपने हिसाब से यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, ठीक है। और सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं छेड़ना है, और ये जो सब हैं ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, इनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमें, तो इतना चेक करने के बाद इसे ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें 3 टास्क हैं केवल, फर्स्ट है फाउंडेशन, सेकेंड सुपर स्ट्रक्चर, 3 है फिनिशिंग। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ फाउंडेशन, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद फिनिशिंग,
ठीक है। तो तीन टास्क हैं ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आता है मैनुअली और ऑटो, तो इसको ऑटो रखेंगे तो बेस्ट होगा, ऑटोमेटिक ही शेड्यूल ले लेगा आपका। ठीक है ठीक है। अब पूछ रहा है कि ड्यूरेशन, ये फाउंडेशन बनने में टाइम कितना लगा, कम से कम डेज में पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ 30 डेज। ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर बनने में कितना टाइम लगा, 3 महीने 90 डेज डाल देता हूँ मैं, और फिनिशिंग में 30 डेज। ठीक है। तो हमने ये डेज डाल दिए। अब देखिए इसने स्टार्ट किया है, हमें कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, मान लीजिए मैं देखिए यहाँ पे डेट कुछ गलत आ रही है। ठीक है। गलत डेट इसलिए आ रही है कि जब हम फाइल में गए थे और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए 2009 डाला हुआ है, इसको टूडे की डेट सेट कीजिए। ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ। ठीक है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो खत्म कब हो रहा है आपका है? 9 जनवरी को, 9 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 30 डेज चाहिए होते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी है आपके कैलेंडर, जो डिफॉल्ट कैलेंडर हमने लिया है ठीक है, उसमें हमारा सैटरडे संडे छुट्टी है। उसके बाद आपका 9 फरवरी स्टार्ट हुआ, फिर ये 9 फरवरी के बाद ये स्टार्ट हो गया 10 फरवरी से। ठीक है। ओके कर देना है। ये 15 फरवरी तक और 15 जुलाई तक चला, जून तक। ठीक है। 16 जून को ये स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है। और ये ऑटोमेटिक देखिए, ऑटोमेटिक ही ले लिया इसने यहाँ पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे टास्क डालते हैं, ड्यूरेशन, स्टार्ट फिनिश डेट डालते हैं, तो यहाँ पे उसकी एक गैंट चार्ट बनती जाती है, और अभी हमें तो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे 2018 की डेट है और यहाँ पे देखिए टाइमलाइन 2009 की है। वो हमें स्टार्टिंग में जो हमने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो सेट करनी होती है, हमने नहीं की, कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टाइमलाइन को हम ले जाते हैं 2018 में, यहाँ से देखिए ये रही। ठीक है। तो फर्स्ट फाउंडेशन टास्क हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है। फरवरी में खत्म हुआ, उसके बाद ये एरो दिखा रहा है कि ये वाला स्टार्ट हुआ, फिर ये खत्म होता है, फिर ये स्टार्ट होता है, इस तरह से ये इनके बीच में लिंक दिखा रहा है। ठीक है। और ये यहाँ पे आपका चार्ट दिखा रहा है। अब एक चीज चेक करते हैं, हम अपना कैलेंडर चेंज करते हैं। ठीक है। मैंने कैलेंडर चेंज किया और मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कैलेंडर में मैं मंथ का जो टू डेट है, हर मंथ की जो 2 तारीख है, उसको छुट्टी कर रहा हूँ। ठीक है। ऑफ ऑफ एवरी मंथ, तो देखते हैं क्या शेड्यूल में हमारे को चेंज आता है। ठीक है। स्टार्ट हमारा 1 जनवरी से हुआ है प्रोजेक्ट, और ये कब खत्म हो रहा है हमारा, देखिए जो हो रहा है 27 जुलाई को। ठीक है। खत्म हो गया। डिटेल में गए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एवरी, नहीं ऐसा करते हैं एवरी, चलो उसे नोट वर्किंग करते हैं, मंथली सेकंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। और कितने मंथ, ये लगभग हमारा 7 मंथ चला है। ओके कर देते हैं। ठीक है। यहाँ भी ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है, पहले यहाँ पे क्या डेट आ रही थी, 9 फरवरी, अब चेंज हो गई है क्योंकि हमारा एक दिन, हमारा 2 तारीख को हमने छुट्टी कर दी है, 2 तारीख की वजह से देखते हैं हम फरवरी में, फरवरी में 2 की छुट्टी हो गई और 1 जनवरी में 2 की छुट्टी हो गई। ठीक है। और फिर सैटरडे संडे भी पड़ गया, तो ये 13 को इस तरह से प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना एक कैलेंडर डिफाइन कर लेना होता है। ठीक है। और उससे भी पहले हमें प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन डाल लेनी होती है। तो अभी ये स्मॉल चीज़ थी, इसके अंदर बहुत सारे टास्क आते हैं और कैसे हम इन एक्टिविटी की रिलेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सीखेंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही।
तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप होता है आपका कैलेंडर डिफाइन करना, थर्ड स्टेप होता है आपका ऑप्शन में सेटिंग करना, फिर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे टाइमलाइन जरूर चेक कर लें कि टाइमलाइन क्या है आपकी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स बने हैं, प्रेडिसेसर ये क्या है, 1 2 क्या आ रहा है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।